दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी। विवेंडी से ना कुछ ऐसे शो रहे ना तो जो के बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उनमें से एक नाम है सिर्फ तुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ तुम सीजन 2 रिलीज डेट लॉन्च डेट कन्फर्म इज बैक। इस बारे में करने वाले हैं बात, देख तेरे वीडियो को पूरा एंड तक। और दोस्तों हर बार की तरह एक पैसा लाइक उसके साथ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक, क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं 1 मिलियन के रेस में, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम चाहते हैं। जी जिसने नहीं करके रखा है ना तो कर लीजिए। सो गाइस, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। आप सभी को पता है कि जो सिर्फ तुम है, जिसमें हमें विवेंडी सेना नजर आते थे और ईशा सिंह नजर आते थे, का मतलब टीवी पे जब आता था, अब यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, वुड पे आ रहा है, तो हमें वहां पे नजर आ रहा है। अब आप सभी को पता है कि शो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, एक यूनिक स्टोरी है, एक आग और पानी के ऊपर ये बनाया गया है, एक तरफ ठंडक है एक तरफ आग है। यानी जो विवेंडी सेना आग का रोल प्ले कर रहे हैं और जो ईशा सिंह है वो पानी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठंडा, जो कि देखने में सच में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो कुल मिला के शो बहुत ज्यादा बेहतरीन था, कुल मिला के शो सबसे ज्यादा पसंद करने वाला शो था, बहुत ज्यादा पसंद आता है ये शो और बहुत ज्यादा बेहतरीन है ये शो। कुल मिला के इस शो को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई वेट कर रहा है कि ये शो जल्द से जल्द वापस आ जाए, वो भी टीवी पे। तो यहाँ पे खबरें क्या निकल के आ रही है, क्या ये शो वापस आएगा, क्या आपको टीवी पे देखने मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा, या फिर ये सिर्फ ऐसी बातें चल रही है। तो मैं आप सभी को बताए चलूं, सिर्फ तुम ये बड़ा शो आप सभी को नजर आने वाला है, इसका सीजन 2 वो भी अब टीवी पे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसी साल आएगा, हो सकता है अगले साल ये लॉन्च किया जाए, क्योंकि वेट लगता है कोई भी शो को जाने में और आने में तो थोड़ा सा वेट लगता है। आपको पता है कि जो भी शो वापस आए हैं कुल मिला के 1 साल का तो टाइम देना ही पड़ा है, तो ये भी शो को आपको टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप सभी को हर चीज पता चल जाएगी।